नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सख्त है। यदि कोई भी सोशल मीडिया या फिर अन्य किसी साधन से ऐसी अफवाहें फैलाता है कि जिससे धार्मिक उम्मान भड़के, उस पर कड़ी कार्यवाही का प्रावधान भी है। कुछ ऐसा ही एक मामला हमारे संज्ञान में आया है। आपको बता दें कि रोहतक जिले के महम हल्के के रहने वाले सुनील उर्फ कालू ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि सोशल मीडिया पर संस्कार क्रांति न्यूज फेसबुक पेज पर महम के मुस्लिम समाज के बारे में झूठी रिपोर्ट लाइव करने वाले एक पत्रकार, जो अपने आप को देसी कर्मू पत्रकार बताते हैं, उसने अपने बनाए गए फेसबुक पेज पर लाइव होकर बताया कि रोहतक जिले के महम कस्बे में मुंशी राम लाहौर के घर से 15 से 20 तबलीगी जमाती जुटे हुए हैं। साथ ही साथ कर्मू ने सीधे लाइव होकर यह भी कहा कि मुंशी राम लाहौर का पोता है, जिसका नाम सुनील उर्फ कालू है। वह इन जमातियों को खाना पहुंचाता है और उसकी देखरेख में लगा हुआ है। सोशल मीडिया पर यह खबर पेज पर लाइव होते ही प्रशासन के साथ साथ शिकायतकर्ताओं के हाथ पैर फूल गए। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि पेज पर खबर चलने के बाद उनके पास रिश्तेदारों के फोन आने लग गए, जिसके कारण वह तथा उनका परिवार पूरी तरह से मानसिक रूप से परेशान है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यह खबर चलने के बाद मुस्लिम समाज के लोग दहशत में हैं और इन्हें इस बात का डर है कि कहीं कोई भीड़ धर्म के नाम पर उन पर हमला ना कर दे, इसलिए उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए। पहले आप देखिए कि इस बारे में शिकायतकर्ता ने क्या कुछ कहा। मैं सर ये कहना चाहूँगा कि ये अफवाहें जो फैलाने वाले जो लोग हैं, इन लोगों के खिलाफ से एक तो पहली बात तो सख्त कार्रवाई की जाए जो इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। उसके बाद अगर ऐसा कुछ मामला लगता है तो प्रशासन को सूचित करें और प्रशासन आके उसकी तफ्तीश करें। हम साथ हैं, हम प्रशासन का साथ देंगे, दिल से साथ हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी तरह का अपवाद हो कि हमारे शहर में आज तक ऐसी कोई घटना ना घटित हुई है, ना हम चाह रहे कि आगे हो, क्योंकि हमारा देखो सबके साथ भाईचारा है और हम सबके साथ ये चाह रहे हैं कि हमारा भाईचारा कायम रहे। इस तरह की अफवाहें फैलाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ये जो अफवाहें फैला रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी सख्त कार्रवाई करके उनको देना चाहिए। ये कोई देसी पत्रकार है कर्मू, अपने आप को कर्मू बताता है, देसी पत्रकार हैं, उसने ये फेसबुक पर लाइव करके उसने डाली हुई है संसार क्रांति, जबकि हमारे पास प्रशासन आया तो प्रशासन को मैंने पूरी वीडियो अपने पूरे समाज की, जो हमारे मोहम्मदन समाज के जितने भी लोग हैं, उनको घर ले जाके प्रशासन को साथ साथ करके और उनके सारे वीडियोग्राफी करवा के उनका संतोष कर दिया है। जो और आपको खतरा है, आपके समाज को भी खतरा है? जी हमें बिल्कुल खतरा है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि क्या मदद मांगे पुलिस से? ये मदद मांग रहे हैं कि हमने एप्लीकेशन दी है, उसके खिलाफ दी है कि इस तरह के लोगों के साथ खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और पुलिस से हम यह चाह रहे हैं कि इस तरह के जो मामले घटित हो रहे हैं कल को बात को साफ करें और कल को अगर ऐसी कोई घटना घटित होती है जो कि हमारे समाज के प्रति या हमारे प्रति, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो प्रशासन से यही गुजारिश करूंगा कि ऐसे लोगों को के खिलाफ कार्रवाई करें और मामला दर्ज होना चाहिए और हमें सुरक्षा सुनिश्चित कराई जाए। वार्ड नंबर 12 मैम से हूं। अनवर जी, जो मामला आया है आज, क्या कहना चाहेंगे इस ऊपर? फर्जी है ये? कहना क्या चाहेंगे, मामला तो फर्जी है, हम उसके खिलाफ जो है FIR दर्ज कराए हुए हैं, लेकिन बड़ी शर्म की बात है कि समाज में ऐसे घटिया लोग हैं। मतलब इंसानियत के नाम पे मैं तो यूँ कहूँगा कि वो धब्बा है, इंसानियत को ख़राब करते हैं, क्यों उनके दिल में इंसानियत नहीं है बिल्कुल भी। ये हमारा देश है जो एकता की मिसाल रहा है और ऐसे ऐसे लोग हमारे देश में इस तरह के जो बावंड रहे हैं, वाहियत बातें फैला देना, नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, और उनको मैं यही कहूँगा कि वो अपने आप में जाकर सोचें, मतलब कितने शर्म की बात है किसी के खिलाफ साजिश रचना, किसी बेकसूर के खिलाफ ऐसा कुछ करना, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। अब हम आपको वो FIR की प्रति भी दिखाते हैं जो पुलिस द्वारा देसी पत्रकार कर्मू पर दर्ज की गई है। पहले आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। FIR की प्रति आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। Thank you.
से किसी विशेष जाति के नाम पर अफवाह फैलाने पर कड़ी कार्यवाही का कानून में प्रावधान है और कुछ इसी तरह से ही कर्मू के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। लेकिन आपको बता दें कि गलती से भी कुछ ऐसा मत करें कि किसी की भावना को ठेस पहुंचे और समाज में कोई ऐसा माहौल ना पैदा हो जिससे कि कोई दुखद घटना घटित हो। उधर जब इस मामले में महम थाना के SHO नवीन से बात की तो उन्होंने मामले की पुष्टि की और उनके द्वारा जांच जारी है। मामले को जैसे देखा और समझा इसमें समाचार एक्सप्रेस यह कह सकता है कि यह पत्रकारिता नहीं है। पत्रकारिता है कि आपके पास कोई सूचना है तो वह आप पुलिस को दीजिए, पुलिस उस पर कार्यवाही करेगी। कार्यवाही के दौरान कोई ऐसी बातें पुलिस के सामने लाए तब उसे दिखाया जाए, अन्यथा मात्र किसी के द्वारा प्राप्त सूचना पर पुलिस को सूचना देकर और फिर उसे लाइव खबर चलाना गलत प्रयास है जिसका समाज में गलत संदेश जाता है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।